अच्छे पढ़े लिखे मेरिट के बच्चे जो मैट्रिक में जिन्होंने 90% मार्क्स लिए, जिन्होंने इंटरमीडिएट में 80-90% नंबर लिए, उन्हें फेल कर दिया गया जो कि नामुमकिन है। मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मेरे तलबा और तालबात इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो मैदान अमल में आ रहे हैं, कल कराची प्रेस क्लब जा रहे हैं, मुल्क के और इलाकों में भी ये एहतजाज हो रहा है। मैं तमाम तालिब इल्मों से कहूंगा कि वो भी आए, बड़ी तादाद में शरीक हों, हम सब इंशाल्लाह ताला दोबारा से कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट दोबारा से हो, बराबरी की बुनियाद पर हो, इंसाफ के साथ हो। ओ लेवल वाले भी हैं, ए लेवल वाले भी हैं, नॉर्मल इंटरमीडिएट करने वाले भी हैं, कोई निजाम होना चाहिए। पीएमसी का ये निजाम फेल हो गया है, पीएमसी को अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, बच्चों को दोबारा मौका देना चाहिए, उनके मुस्तकबिल को तारीफ करना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीफ करना, वो सराफा एहतजाज है, वो कल आ रहे हैं सड़कों पे, मैं भी उनके साथ होऊंगा, आप भी आए, हम सब वहां पर खड़े होंगे और सराफा एहतजाज। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के दाखिलों के टेस्ट हो रहे हैं। मुल्क भर से इंटरमीडिएट पास करने वाले तलबा तालबात जो इस टेस्ट में बैठे हैं, उनकी बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई है, उनके साथ बड़े पैमाने पर जुल्म और नाइंसाफी रवा रखी गई है। कहीं पर वाईफाई बंद कर दिए गए बच्चों के और उन्हें टेस्ट देने ही नहीं दिए गए, कहीं पर उनके करिकुलम और सिलेबस से बाहर के सवाल आए, कोई उसमें मसावात बराबरी नहीं है। पंजाब टैक्स बोर्ड है, फेडरल गवर्नमेंट टैक्स बोर्ड है और फिर सिंध टैक्स बोर्ड है। मैं समझता हूं कि अब पूरे मुल्क के तलबा तालबात कल से बरोज जुमेरात एक एहतजाज शुरू कर रहे हैं। कराची में भी इस सिलसिले में इंटरमीडिएट के वो तलबा तालबात जो इस नाइंसाफी का शिकार हुए, कल दोपहर 2 बजे कराची प्रेस क्लब पर जमा हो रहे हैं। मैं भी इन तलबा तालबात और अपने बच्चों की सरपरस्ती के लिए, इनके सर पर हाथ रखने के लिए मैं भी वहां मौजूद होऊंगा, मेरी टीम भी होगी और हमारे तलबा तालबात और नौजवान भी होंगे। मैं तमाम वालदेन से भी गुजारिश करता हूं जो सख्त परेशान ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है, उनके बच्चों का ही मुस्तकबिल तारीख नहीं किया जा रहा, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है। ये हमारे तालिब इल्मों, नौजवानों और शोबाए तिब और सेहत के खिलाफ ही साजिश नहीं है, मुझे महसूस होता है कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश है।